अंडा चना हमने मंगाया, वैसे डॉक्टर ने हमें एग योग जो था अंडे की जो जर्दी होती है वो मना की थी। स्पेशल बने करेंगे नाश्ते के साथ अंडा मम्मा कहेंगे, पूरे पराठा शो वाला देखें भाई, लच्छेदार पराठा नहीं है, बिल्कुल घर टाइप का पराठा शो वाला। हमारा भाई खाएगा ब्रेड के साथ, हम करेंगे फटाफट से नाश्ता, फिर पहुँचेंगे हेयर क्लब। मेरी सर्जरी को कल रोक दिया गया था क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर जो था इट वॉज नॉट गेटिंग डाउन, शूट कर गया था बहुत ज़्यादा हाई। लेकिन कल शाम को मैंने चेक किया था, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, इट वॉज 120/70। अब देखते हैं ये लोग चेक करेंगे क्या सूरत हाल है, फिर आपसे शेयर करते हैं। ठीक है, नाउ आई हैव एंटर्ड इन द कॉन्फ्रेंस रूम ऑफ हेयर क्लब, बड़ा ही शानदार किस्म का, देखिए वीडियो वगैरह शूट होती है यहाँ पे, सारा सेटअप पड़ा हुआ। डॉक्टर नासिर की गाइस सर्जरी से भी ज़्यादा जो मुझे चीज़ ने अट्रैक्ट किया ना वो ये थी कि अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी ABHRS, उससे रजिस्टर्ड डॉक्टर इस पूरे पाकिस्तान में दो ही हैं, एक डॉक्टर हुमायूं जिनने इमरान खान साहब का हेयर ट्रांसप्लांट किया था और दूसरे डॉक्टर नासिर। लेकिन डॉक्टर नासिर के रिजल्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगे और उनका एक्सपीरियंस, हर चीज़, उनकी सारी कैपेबिलिटीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हैं। डॉक्टर हुमायूं ने राणा नवीदुल हसन, एक क्रिकेटर, उनका भी किया था। ये दो डॉक्टर्स हैं जो इस वेबसाइट पर आ रहे होते हैं, देखें दैट इज़ अ प्रूफ। अगर डॉक्टर नासिर ने खुद कहा था कि जो भी डॉक्टर्स अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी, ये वेबसाइट आप गूगल पे लिखेंगे उसमें आ जाएगी, उस डॉक्टर का नाम इंटर करें आपको पता चल जाएगा उसने अमेरिका से डिग्री हासिल की है कि नहीं की, गो टू देम, उनने खुद कहा था। तो उसमें से डॉक्टर नासिर और डॉक्टर हुमायूं जो इस्लामाबाद में होते हैं वो आए थे, एंड आई हैव चोजन डॉक्टर नासिर जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटीज एंड एक्सपीरियंस एंड ही वे ऑफ टॉकिंग, ही वे ऑफ कम्युनिकेशन, एवरी थिंग इज़ अप एंड अप रिलेटेड टू हिम। आप खुद देख सकते हैं, बाकी आपके सामने सारे प्रूफ्स होते हैं, पूरा सोशल मीडिया आपके पास, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब वेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। दोबारा आप चेक किया जा रहा है ब्लड प्रेशर, वी आर होपिंग कि ये नॉर्मल हो यार, ताकि हमारी सर्जरी स्टार्ट हो सके। गाइस ब्लड प्रेशर इट्स स्टिल प्रीटी क्लियरली हाई। अब ये लोग बोल रहे हैं दो मेडिसन्स आपको देंगे जो हमें कल दी गई थी शाम को ना, तो उसके बाद नॉर्मल हो गया था, अब देखते हैं वो खाते हैं फिर उसके बाद चेकअप होगा। मैं इनको बोली चाय पी ले तो अच्छी बात है, सर दर्द वगैरह तो नहीं, उल्टी खाने लगा हूं, इसको खा के बिल्कुल कूल डाउन होना है, रिलैक्स हो जाना है, एक लगा के आराम से मेडिटेशन वाली स्टेट में चला जाना। गार्नियर, अब इसको खा के यूं टेक लगा के आराम से थोड़ी देर मेडिटेशन करनी है, जितनी ड्रिंक होती है खुली सांस लेनी है, रिलैक्स रहना है ताकि हमारा ब्लड प्रेशर काम डाउन हो चुका, जब तक के लिए मैं सो रहा हूँ। गाइज अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो स्टेबल हो चुका है, नॉर्मल हो चुका है, तो अब कुछ ही देर में हमारी स्टार्ट की जाएगी सर्जरी। गाइज कल जो हम थे ओटी नंबर 3 में, आज हम ओटी नंबर 1 में, यहीं पर हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, प्रोसीजर। बस ये इन्फॉर्म कर देता हूँ अपनी वाइफ को भी ना, ये रहा सर्जरी का सारा साजो सामान। अच्छा कौन से नंबर से ट्रिम कर रहे हैं? 3 नंबर का भी कर रहा हूँ फिलहाल जी, तो बाद में फिर डॉक्टर साहब देख के खुद करेंगे इसको ज़्यादा करना। ठीक है ठीक है, बिस्मिल्लाह। B3 और B12 वगैरह के इंजेक्शन लगे हुए हैं ना? जी जी, बस वो एक विटामिन डी का एक रहेगा था मेरा, वो बोलते हैं इधर ही लगा देंगे, अभी 2 फरवरी को लास्ट लगा था, फरवरी को जी, एक महीने बाद, एक महीने बाद लगना वो तो फिर जी, नहीं सॉरी 2 जनवरी को लगा था, हाँ 2 जनवरी को लगा था, फिर मैंने लगवाया नहीं था कुछ इश्यूज की वजह से ना, तो फिर वो बोलते थे उधर ही लगवा लीजिएगा आप, उस दिन मैं जल्दी में था जब मैं लास्ट टाइम गया था। स्प्रिट से ये हो रहा है, डिसइंफेक्ट कर रहे हैं हेड, डिसइंफेक्ट कर रहे हैं भैया हेड को हमारे। सर्जरी से पहले आपके ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, फिर उसमें देखते हैं अगर किसी चीज़ की कमी आती है ना, किसी भी आयरन की या किसी भी चीज़ की कमी, तो मेरे अंदर विटामिन डी और B12 की कमी आई थी, तो उसके इंजेक्शन लगा के वो कमी आपके अंदर पूरी की जाती है, तो मेरे सारे विटामिन B12 के सब लग चुके थे, विटामिन डी का एक रह गया था, सारे मैंने कराची वाली ब्रांच पर लगवाए थे, तो एक रह गया था, तो उन्होंने कहा था लाहौर वाली ब्रांच में लगवा लीजिएगा, तो उसी की बात कर रही है, अभी वो इंजेक्ट करेंगे। वजनी
ठीक। अपने ये एनेस्थेसिया दिया है और बालों को भी चेक कर रहे हैं ना? जी जी, ये एनेस्थेसिया और बालों को भी चेक कर रहे हैं, नम कर रहे हैं डोनर एरिया को, अपने एरिया भी कवर कर रहे हैं, सारा एरिया पीछे का नम कर दिया है और एक तरह से रफ डिजाइनिंग भी हुई है। बाकी रोटा नासिरा के हेयरलाइन डिफाइन करेंगे। यकीन मानिए कोई हल्का सा भी पेन नहीं हुआ। इंजेक्शन का जो पेन होता है ना गाइस, वो भी इससे ज़्यादा होता है। दम करते हुए कुछ पता ही नहीं चला मुझे बिल्कुल भी। ये देखें गाइस कितनी पतली सी नीडल है, ये सर को लगाई जाती है, जैसे नॉर्मल इंजेक्शन होता है ना उससे बहुत ही ज़्यादा पतली है। देखें पता भी नहीं चलता, ऐसे ही लोग डरते हैं कि एनेस्थीसिया खतरनाक होता है। ये जो मशीन आप देख रहे हैं आपके सामने, पीआरपी के लिए जब ब्लड निकाला जाता है ना आर्म से, तो फिर इधर इसमें बोतल में डाल के इसके अंदर रखा जाता है, उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, फिर उसके बाद निकाल कर इंजेक्ट किया जाता है आपके सर पे। जो ब्लेटर रिच प्लाज्मा होते हैं आपके सर पे इंजेक्ट किया जाता है ताकि ग्रोथ बूस्ट हो सके आपके बालों। जॉर्डन इज बॉलिंग रियली वेल बिकॉज ही हैज एबिलिटी टू बॉल इन द यॉर्कर लाइन। विकेट भी ले गए इसी बात पर, बड़ा गंदा यॉर्कर मारा है। बस ये ट्रिम कर दिया ना जो डोनर एरिया है, एक्सट्रैक्ट कर दिया। बैक से जो आप जहाँ से हमने स्टेप रिमूव करनी है उसका एनेस्थीसिया करूँगा जी वाइब्रेटर के साथ, और फिर ये जब ये एनेस्थीसिया हो जाएगा तो फिर डॉक्टर साहब इसकी आपकी स्टेप रिमूव करेंगे। ठीक ठीक है ठीक। आपको कहीं पे ज़्यादा चुभन हो तो आप मुझे बता देंगे कि इधर चुभन ज़्यादा है। ठीक है। लाइट सी आपको पिंचिंग होगी कहीं कहीं, जिस तरह बाल खींच रहा है। ठीक है जी। ये बियर है वाला? जी जी जी, पता नहीं चल रहा। बस इसी तरह ही होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपको पेन नहीं होगी पूरी सर्जरी। अब है चुभन? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पता भी नहीं चलता कुछ हो रहा है। ये स्टेप जो हमने लेनी है उसकी मार्किंग करना। तो हमारी की जाएगी स्ट्रिप रिमूव डोनर एरिया से, वो डॉक्टर अहमद साहब करेंगे। आई एम डॉक्टर अहमद। अब मैं ना आपके पीछे से एनेस्थीसिया चेक करूंगा नीडल से, तो कहीं भी आपको पेन डिस्कम्फर्ट कुछ भी हो रहा है तो मुझे उसे टाइम फिर बता दीजिएगा आप। जी जी बिल्कुल। रिलैक्स बैठे जी जी, मैं आपको कहीं पेन डिस्कम्फर्ट हो स्ट्रिप हमारी ले ली गई थी, उसके बाद अब ये सारे स्टिचेस लगाए गए हैं वो कंप्लीट हो गए हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी पेन नहीं हुआ। हमारी जो स्ट्रिप ली गई थी उसके ग्राफ्ट अलग-अलग किए जा रहे हैं तो वो आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर काउंटिंग होगी इसके बाद, ये पूरी टीम काम करती है। अभी सिर्फ अलहदा हो रहे हैं ना, काउंटिंग बाद में होगी। अभी सिर्फ प्रसेप्ट हो रहे हैं, काउंटिंग बाद में होगी। काउंटिंग बाद में होगी, और सिंगल हेयर्स और डबल फॉलिकल्स जो होते हैं वो अलग किए जाएंगे। देखें गाइस कैसे टेक्निक के साथ फुल क्लैरिटी के साथ ग्राफ्ट को अलग-अलग किया जा रहा है। ये टीम वर्क होता है तभी ये सर्जरी कंप्लीट हो पाती है। डॉक्टर नासिर अकेले सर्जरी कभी भी परफॉर्म नहीं करते, कभी भी कोई गोल विदाउट टीम वर्क अचीव नहीं हो सकता। ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, बाकी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।